20 मई 2020 साइक्लोन अम्फान, 100 लोगों की जान गई, 20 लाख लोग प्रभावित और 1 लाख करोड़ संपत्ति का नुकसान। 26 मई 2021 साइक्लोन यास, 10 लोगों की जान गई, 3 लाख लोग प्रभावित, 10,000 करोड़ संपत्ति का नुकसान। 16 मई 2022 साइक्लोन सीतरंग, 30 लोगों की जान गई, नॉर्थ ईस्ट में भारी तबाही, 10,000 घर बर्बाद। 14 मई 2023 साइक्लोन मोचा, म्यांमार में 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, 100 लोगों की मौत, 40,000 लोग प्रभावित। इस समय मई महीने 2024 में साइक्लोन रेमल के आने की तीव्र संभावना। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह संकेत है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस साइक्लोन को और तेज होने की संभावना है। प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में यह चक्रवात बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। बाद में यह चक्रवात डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। चक्रवात साइक्लोन रेमल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। अभी यह साइक्लोन, इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है, परंतु इसका लैंडफ्लॉ यानी कि जमीन की सतह से टकराने की संभावना पश्चिम बंगाल या उत्तर उड़ीसा के तटों से हो सकती है। वर्तमान में रेमल बे ऑफ बंगाल के सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में फिलहाल भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल इसके ट्रैक का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ मानसून भी निर्धारित समय से पहले केरल में पहुंचने की भी संभावना बताई जा रही है। ताज़ा सैटेलाइट और तस्वीरों के मुताबिक यह प्रतीत होता है कि कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया अभी बनना शुरू हो गया है, जो जल्द डीप इंप्रेशन में बदल जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों की तरफ से इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस आने वाले साइक्लोन यानी तूफान का नाम रेमल है, जो कि ओमान ने रखा है। रेमल का अर्थ है रेत। बंगाल की खाड़ी साइक्लोन के लिए दुनिया में सबसे एक्टिव एरिया में से मानी जाती है। इस क्षेत्र में हर साल एज एन एवरेज 5 से 6 साइक्लोन आते हैं, जो कि ज़्यादातर मानसून के मौसम में आते हैं। IMD के अनुसार बे ऑफ बंगाल की दक्षिण खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम विकसित हो चुका है। वहाँ समुद्र की सतह पर तापमान बहुत गर्म है, जो कि साइक्लोन बनने के अनुकूल है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडल सागर के साथ एक बार फिर पुनः महत्वपूर्ण परिघटना होने की पूरी संभावना है। यह भूमध्य रेखा के आसपास बारिशों के लिए उत्तरदायी है, जिससे 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश आने की संभावना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।